क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपना सक्सेस को लेके परेशान हो? नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बावजूद भी, आपका दिमाग यूज करने के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल रहा है, इस बात को लेके टेंशन में हो? नेटवर्क मार्केटिंग में आपका करियर का क्या होगा, इसको लेके आप अगर चिंतित है तो आपको एक काम जरूर करना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग में आपका सफलता के लिए। तो वो काम है, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सफलता चाहिए तो आपका खुद का दिमाग को उपयोग करना बंद करो, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको 100% सफलता मिल जाएगा। जी हाँ, आज के वीडियो में हम इसी सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग का, खुद का सफलता के लिए अपना दिमाग को ना वापरते हुए हम कैसे सफलता हासिल कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ संजीव कुमार, स्वागत है आप सभी को सेव लाइफ चैनल में। चलिए आज की सेक्शन की हम शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, हम कोई भी इंडस्ट्री में जब हमारा करियर की जब शुरुआत करते हैं तो वहां पे हमें हमारा दिमाग को उपयोग करने की सलाह दिया जाता है। भले आप जॉब पे हो या बिजनेस पे हो, वहां पे आपका ग्रोथ के लिए, सिस्टम का ग्रोथ के लिए खुद का दिमाग को यूटिलाइज करने की सलाह दिया जाता है। वहां पे हम उपयोग करके सफलता भी हासिल करते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद में, इनिशियल स्टेज में, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग में आपका सीनियर आपको ये सलाह दिया जाता है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग में अपना करियर को बनाना है तो इनिशियल स्टेज में खुद का दिमाग को वापरना बंद करो, खुद का दिमाग को उपयोग ना करो। यहाँ पे एक विपरीत परिस्थिति में नया व्यक्ति खड़ा हो जाता है, क्योंकि मार्केट में सभी लोग बोलते हैं अपना दिमाग का उपयोग करो, नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद में ये उल्टा क्यों हो रहा है, अपना दिमाग को उपयोग ना करने की सलाह क्यों दिया जाता है? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे आपको लर्निंग करना बहुत जरूरी है। इनिशियल स्टेज में जब आप आते हो, आने के बाद में आपका सीनियर आपको ये बताया जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के बारे में आप किसी को डायरेक्टली बात मत करो, कंपनी के बारे में मत बोलो, प्रोडक्ट के बारे में मत बोलो, सेमिनार के बारे में मत बोलो। ये नहीं बोलने की सलाह सीनियर देने की वजह से आपका दिमाग में डाउट क्रिएट होता है। आप सीनियर से ये बात सुन लेते हैं, लेकिन बाहर जाके आप डायरेक्टली सिस्टम के बारे में, मीटिंग के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में खुद बोलना चालू कर देते हैं, और बोलने के बाद में हमें बहुत सारे सवालों की सामना करना पड़ता है। तो सवालों की जवाब हमारे पास ना होने की वजह से हम खुद नेगेटिव हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को लेके। ये बात आपका सीनियर को पता है, इसलिए आपका सीनियर ये सलाह दे रहा है। आपको इनिशियली नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता चाहिए तो आपका दिमाग को उपयोग नहीं करना है, इन सभी बातों को डायरेक्टली आपका क्लाइंट के साथ में डिस्कस नहीं करना है। लेकिन हम सबका प्रॉब्लम ही वही है, जो काम नहीं करने के लिए बोला जाता है वही काम को सबसे पहले करने की कोशिश करता है, तो उसकी वजह से वो मार्केट में जाके रिजेक्शन का सामना करते हुए ये इंडस्ट्री में से आउट हो जाता है। एक बात याद रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग एक मेवा ऐसा इंडस्ट्री है, यहाँ पे आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, यहाँ पे कॉपी करने का आपको सफलता मिलता है, क्योंकि आपका अपलाइन के पास एक्सपीरियंस है, उन्होंने ऑलरेडी गलतियां किया है, वो गलती आपसे ना हो इसलिए उन्होंने ये सलाह दिया है आपको, ये काम आपको नहीं करना है। लेकिन आप आपका दिमाग को यूज करते हैं, आपका होशियारी आप दिखाते हैं, इसकी वजह से मार्केट में लोगों के सामने जाके जो काम नहीं करना चाहिए वो काम करने की कोशिश करते हैं, तो उसकी वजह से आप खुद नाराज होके इस सिस्टम में असफलता का सामना आपको खुद को करना पड़ता है। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है, आपका अपलाइन के पास, आपका सीनियर के पास एक्सपीरियंस है, उनका एक्सपीरियंस के हिसाब से वो आपको सजेशन दे रहे हैं, ये काम मत करो,
तब जाके आपको सफलता मिल सकता है। अगर आप असली में नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में सफलता हासिल करना चाहते हो, अचीवमेंट के लिए काम करना चाहते हो, तो आपको सिस्टम और आपका सीनियर को, एक्टिव सीनियर को फॉलो करना जरूरी है, तब जाके आपको सफलता मिल सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में अपना दिमाग को इनिशियल स्टेज में उपयोग ना करते हुए सिस्टम का और आपका एक्टिव सीनियर का दिमाग के अनुसार अगर आप काम करेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में 100% आपको सफलता मिल सकता है। यहाँ पे इसके मतलब ये नहीं है अपना दिमाग को उपयोग नहीं करना है, लेकिन इनिशियली जब आप अपना दिमाग को उपयोग नहीं करेंगे तो ही बेटर रहेगा। एक लेवल के बाद में नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज आपके पास में अपडेट होने के बाद में आप आपका दिमाग को उपयोग करते हुए ये सिस्टम में और भी बेहतरीन तरीके से ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। लेकिन इनिशियल स्टेज में आपको ध्यान रखना है अपना दिमाग को ज़्यादा उपयोग ना करते हुए सिस्टम और सीनियर का दिमाग को उपयोग करके अगर नेटवर्क मार्केटिंग में काम करेंगे तो 100% नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपना हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आप सेवी लाइफ चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।